देवेंद्र पंबिहा गैंग का अपराध करने का नया स्टाइल। पंजाब में युवाओं को बांट रहा था हथियार, अब तक 50 हथियार अलग अलग जगहों पर बांटे। पंजाब पुलिस की पंबिहा गैंग पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। पंबिहा गैंग का अब होगा काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं PTF न्यूज। पंजाब की अपराध की दुनिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र पंबिहा का आतंक लगातार देखने को मिलता है। चाहे पंजाब पुलिस लाख कोशिशें कर ले इन बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल में क्यों न डाल दे, लेकिन पंजाब में इन दो गैंगों का बोलबाला लगातार देखने को मिलता है और ये गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देने के फिराक में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस हार नहीं मानने वाली और इन गैंगस्टरों की कमर तोड़कर पंजाब को एक अपराध मुक्त स्टेट बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से गैंगस्टर देवेंद्र पंबिहा गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गैंगस्टर देवेंद्र पंबिहा गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार करके मोहाली ले आई। इनमें से एक गुर्गा नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि दूसरे की पहचान हरियाणा के सिरसा के ही सोनू के रूप में हुई है। स्पेशल सेल ने दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने कुछ समय पहले एक मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में कुल 6 आरोपियों को नामजद किया गया। इनमें से 3 आरोपी जेल के अंदर थे, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 1 आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ में इन दोनों ही गुर्गों के नाम सामने आए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा था कि पंबिहा गैंग आसपास के इलाकों में करीब 50 से 60 हथियार युवाओं को बांट रखे हैं, जिनमें ये दोनों गुर्गे भी शामिल हैं। जेल में बंद गैंगस्टरों के इशारे पर ये आरोपी हथियार एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ये गुर्गे गैंगस्टरों को ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान भी मुहैया करवाते हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दोनों गुर्गों को काफी लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था। इसके पश्चात दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपी सोनू को कोर्ट में पेश करके स्पेशल सेल ने 3 दिनों का रिमांड हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों गुर्गों पर पहले से हत्या समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। अभी हाल में ही पिछले दिनों चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित एक नामी क्लब में फिरौती को लेकर हुई फायरिंग में भी इन्हीं दो गुर्गों का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पंजाब की स्टेट ऑपरेशन सेल इन बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। टीम BDF न्यूज़।